जब मैं फोर्थ ईयर पास किया था 2019 में, मैं खुद फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता था। पैसा तो दूर की बात है, क्यों कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड क्या है वो मेरे को पता ही नहीं था। जब मैं सिविल गुरुजी में आया तब मेरे को पता चला कि कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। मेरे को पता नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम लोग को कहाँ जाना है। 95% इंजीनियर्स जो हमारी कंट्रीज में पास आउट हो रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड क्या है। जहाँ उनकी डेस्टिनेशन है वहाँ उनको कैसे जाना है, वहाँ के लिए अगर वो जाएंगे तो कैसी चीजें उनको आनी चाहिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों मैं हूं इंजीनियर चेतन शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आज दोस्तों आप लोग उसको मिलवाने वाला हूं दो ऐसी हस्तियों के साथ जो कि हमारे इंजीनियर्स रह चुके हैं, हमसे सीख चुके हैं, लेकिन अब एक साइट पर वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही दो इंजीनियर्स के साथ मिलने आया हूं यहां पर उनकी साइट पर कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रोथ पाई है और अपने बारे में कैसे उन्होंने स्किल्स को यूटिलाइज करके कैसे वो आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। तो आइए दोस्तों चलते हैं यहां पर अपने दो इंजीनियर्स के पास। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि आप लोग भी उनकी तरह कुछ उनकी जो बातें आप लोगों को बताने वाले, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उनके साथ साथ आप अगर ये बातें अपनाते तो आप लोग भी अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते, मैं स्वागत करता हूं यहां पर सबसे पहले इंजीनियर अभिलाष मिश्रा जी से जो कि सतना एमपी से आते हैं, और यहां पर हमारे इंजीनियर नसीर मलिक जो कि आते हैं बारामूला जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले चलता हूं मैं अभिलाष मिश्रा जी की तरफ और इनसे जानना चाहता हूं मैं कि आपको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हुए कितना टाइम हो गया। सर हमें इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हुए लगभग 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए, बिल्कुल सर। यहाँ पर चलते हैं हम इंजीनियर नसीर मलिक की तरफ और जानते हैं उनसे, एक अपकमिंग इंजीनियर मार्केट में आता है तो उसे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं खुद एक फ्रेशर इंजीनियर हूँ, जो मैंने खुद फेस किया है वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टैग लगा होता है, एक फ्रेशर का टैग लगा होता है एक सिविल इंजीनियर के ऊपर, एक तरह का वो बदनामी का दाग सा होता है उसके ऊपर। तो जो मैंने खुद फील किया है, एक पता ही नहीं होता इंसान को कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि फाइनल ईयर में जब आता है ना तो एकदम परेशान सा हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि स्टार्ट कैसे करूँ। कोई ना कोई मतलब एक चीज का है ना इंसेशन चाहिए होता है एक फ्रेशर इंजीनियर को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर उसको कोई फॉर्मेट, कोई पैटर्न या कोई उसको ऐसी चीज मिल जाए जहां से वो स्टार्ट करता है, उसको बिंदास बिना सोचे वहां से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब इस वाले वर्ड को मैं फ्रेशर वर्ड कहूं या अनस्किल्ड वर्ड कहूं। हाँ, अनस्किल्ड वर्ड कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में होते हैं ना, हम लोग बस खाली पढ़ाई पढ़ाई एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। मतलब हम लोग को पता ही नहीं होता है कि कॉर्पोरेट फील्ड की डिमांड क्या है, ये पता ही नहीं है, क्योंकि बताता ही कोई नहीं। जो वहां से पास आउट होता है वहीं फिर से पढ़ाने लगता है वहां पे, इसलिए हम लोग को ये सारी चीजें पता नहीं होती है। फ्रेशर एक केवल मानसिकता है। हाँ, जो रियल वे में कहें तो अनस्किल्ड, जैसे कि आपने जाना इस चीज को पर्सनली। चलते हैं अभिलाष जी की तरफ, और अभिलाष जी जानते हैं कि जैसा कि आज हम आपकी साइट पर आए हैं और साइट पर आपको देखा कि हमें बहुत खुशी हुई कि आपकी साइट पर आकर हमें आप लोग दिखे, काम करते हैं यहाँ पर, अच्छे से वर्क कर रहे हैं आप, और काफी टाइम भी हो गया आपको इस कंपनी में जुड़े हुए। तो इस कंपनी के बारे में पहले थोड़ी सी मुझे डिटेल में बताइए, किस तरह से काम यहाँ पर होता है, किस तरह से आपको काम करने हैं, किस तरह से आपके बॉसेज आपको गाइडेंस देते हैं, ये सब चीजों के बारे में। सर जैसे कोई भी काम चलने वाला है उसके बारे में एक दिन प्लानिंग कर दी जाती है कि इससे यहाँ हमारे इस कंपनी में 17 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ नंबर ऑफ इंजीनियर्स भी हैं, तो अलग अलग इंजीनियर को अलग अलग ब्लॉक डिवाइड कर दिया गया। वो अपने अपने ब्लॉक में जितनी भी वर्क होती है, जैसे अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ ब्रिक वर्क, प्लास्टर, ये चल रहा है, जितना भी काम होगा उस ब्लॉक में, उसमें यदि मिस्टेक है, उसमें यदि बेहतर काम हुआ, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबल वो इंजीनियर होता है जो ब्लॉक में वो ब्लॉक को हैंडल करता है। तो सबसे पहले हम लोग जब सुबह आते हैं तो हम लोग को एक प्लान करनी पड़ती है कि किस ब्लॉक में कौन सा इंजीनियर जाएगा, चेक लिस्ट है क्या क्या चेक करना, कैसे काम कराना, ताकि हमारी जो प्रोग्रेस है वो भी मेंटेन कर सके, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण हमारी जो प्रोग्रेस है वो कम हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बीच में चले गए थे, हमारे यहाँ जो इम्प्लॉय थे कंपनी के वो भी चले गए थे, तो उसमें मेंटेन करना, हालांकि एक्सटेंशन मिला है कंपनी को, पर यदि हम कंपनी को जो अलॉटेड टाइम है उस अलॉटेड टाइम में यदि हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, कोई कंपनी यदि इंजीनियर हायर करता है तो अपने प्रॉफिट के लिए करता है, क्योंकि यदि प्रॉफिट होगा तो आगे चल के हम इंजीनियर की प्रोग्रेस होगी, क्योंकि बिना प्रॉफिट कराए कोई भी कंपनी हम लोग को हायर नहीं करेगी। हम लोग अपने जो हम लोग की मनी मिलती है, जो हम लोग सैलरी मिलती है, उसकी डिमांड नहीं कर सकते। फिर यदि कंपनी को प्रॉफिट नहीं कराएंगे तो अपने जो बॉस है उससे नहीं बोल सकते कि हम इतनी सैलरी का एक्सपेक्टेशन करते हैं।
ना, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को प्रॉपर साइड में एग्जीक्यूट कराते हैं। उसके बाद उसमें शाम को जितना भी काम होता है उसकी प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करते हैं, उसका बिल निकालते हैं, फिर अपन DPR रखते हैं। उस DPR में देखते हैं कि जितना आज जितना वर्क हुआ जितनी उस वर्क में जितना लेवल जितना मेसन रहेगी उस मेसन में जितना वर्क होना चाहिए जितनी प्रोग्रेस होना चाहिए उतना है कि नहीं है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको अपन दूसरे दिन इम्प्रूव करते हैं। और शाम को यही अपन मीटिंग करते हैं, जो हमारे सभी साइड इंचार्ज है नीरज सर है उनके साथ सब मीटिंग करते हैं कि कल यदि हमारे कहीं भी किसी भी साइड में कहीं मिस्टेक है उसका रीजन क्या है, उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, जो दूसरे दिन है उसकी क्या प्लानिंग किया जाए, इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं सर। और डेली अपन पूरा एस्टिमेट निकालते हैं, उसका प्रॉपर एक बिल बनाते हैं, है ना, अपने पूरा हर चीज की रिपोर्ट मेंटेन करना, हर चीज का ये काम रहता है सर। बहुत बहुत शानदार दोस्तों। जैसा कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सिविल गुरु जी पहले ही अपने सभी इंजीनियर्स को एक बात बोलता है सिखाते टाइम जब भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कंपनी अपनी ग्रोथ से पहले उस कंपनी की ग्रोथ करो, क्योंकि उस कंपनी की ग्रोथ होगी जहां आप काम करें तभी आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पर जो मेरे इंजीनियर यहाँ पर जुड़े हुए हैं अभी नसीर जी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि नसीर जी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आपने टेक्निकल स्किल्स तो सीख ली लेकिन किस तरह की टेक्निकल स्किल्स अब आप यूज करते हैं साइट पर आने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बात करूंगा, हमारे पास एक नाम चेकलिस्ट होना चाहिए, जो हमने सीखा है उन सारी चीज़ों को अप्लाई करना होता है हम लोगों ने साइट पे आके। जैसे कि हम लोगों का अगर सपोज करो कॉलम की कास्टिंग हो रही है, पहले हम लोग फार्मा देखेंगे, फार्मा का लेवल देखेंगे, फार्मा देखेंगे इनर साइड उसके ऑयलिंग हुई है कि नहीं हुई है, उसका साहुल करेंगे जैसे कि हम लोग उसको प्लम्ब वॉक कहते हैं, उसका प्लम्ब वॉक करवाएंगे, एकदम वो इरेक्ट होना चाहिए नहीं तो बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और उससे पहले इसका एक चीज़ है वो रेनफोर्समेंट उसका चेक करेंगे। अच्छा सपोज करो हमारा प्लास्टर चल रहा है, प्लास्टर का लेवल देखेंगे हम लोग उसको बॉटम में देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साहुल में देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितनी भी सारी चीजें स्किल चीजें टेक्निकल चीजें जो हमने सीखी है ना उनको सारी चीजों को अप्लाई करना होता है, इस चीज की सैलरी मिलती है हम लोगों को। मतलब जैसा कि आपने बताया अभी कि ये सब टेक्निकल स्किल्स चाहिए, मतलब लेकिन मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स आता है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इंजीनियर को साइट पर काम करते हुए। एक साइट इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन में बहुत ही बड़ा रोल है, इसको सारी चीजें देखनी होती है, एक एक्सकेवेशन से स्टार्ट होके फिनिशिंग तक। मतलब एक्सकेवेशन में जब ये लेआउट करेगा इसको कितना छोड़ना है, किसको कितना अंदर लेना है, कितना कराना है, कितना भी एक्सकेवेट ना करवाए ये सपोज करो इसको एक मीटर स्क्वायर मीटर का एक्सकेवेट कराना, ये 10 मीटर करेगा लेकिन इसको पैसा मिलेगा 1 मीटर का। हम लोगों को चाहिए माल 10 m³, ये बनवाएगा 15 m³, नुकसान भी नहीं होना चाहिए। हम लोग को सारे डेटा हमारे पास पता होना चाहिए, अगर हम लोग टेक्निकली स्ट्रांग है तो हम उनको हम उतना ही माल बनवाएंगे जितना हम लोगों को नीड है। जैसा कि आपने बताया तो टेक्निकल स्किल्स किस तरह की टेक्निकल स्किल्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में जो आपको जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर भी जब आप वर्क करेंगे तो आपको जरूरत पड़ती है एक साइट पर रहते हुए, तो वो टेक्निकल स्किल्स है क्या एक्चुअल में? तो टेक्निकल स्किल्स ये है कि इसको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, जैसे कि इसको इसका BBS आना चाहिए, BBS इस एंगल से आना चाहिए कि हमारा स्क्रैप मिनिमम हो। दूसरा चीज प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारा जो काम है ना एक साथ में बहुत सारे काम भी हो, मतलब जो जेन्युइन तरीके से हमारे जैसे कि हमारी रिलेशन बनती है फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, ऐसे रिलेशन बनानी चाहिए वो ताकि हमारा एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी चले और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए टाइम पे। जैसा कि अभी नसीर ने हमको बताया कि हमारा एक शेड्यूल करना पड़ता है हमको, तो शेड्यूल करने के लिए सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी कंप्लीटली बताया कि फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, ये क्या है शेड्यूलिंग हमारा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शेड्यूल सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर केवल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यूज में नहीं है, ये एक साइट इंजीनियर भी इसको अगर यूज करे तो अच्छे से इंप्लीमेंट करे तो अपनी साइट को कहीं आगे ले जा सकता है, अपनी कंपनी को आगे ले जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है अभिलाष मिश्रा जी के लिए कि सर मान लीजिए कि एक इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में कुछ सॉफ्टवेयर करता है जी सर, तो सॉफ्टवेयर के बेनिफिट है और काफी ज्यादा खर्चा भी कर देता हूँ सॉफ्टवेयर में, तो कितना बेनिफिट है वो सॉफ्टवेयर का सर? यदि हम जैसे अपन कॉलेज में रहते हैं उस टाइम पे हमारे मन में रहता है कि यदि अपन को साइट में यदि ऑफिस में बैठ के काम करना है और हर चीजों को इम्प्लीमेंट करना है और अपने प्रोजेक्ट को जो प्रोजेक्ट में साइट में जाऊंगा वहां करूंगा, यदि प्रोजेक्ट को एक शेड्यूलिंग में करना, हम यदि जब साइट में जाते हैं हमें एक ड्राइंग मिलती है उसमें भी सॉफ्टवेयर का यूज होता है, इसके बाद पूरा एस्टीमेट जो निकालते हैं उसके लिए भी सॉफ्टवेयर अपन निकालते हैं, है ना, जो अपन एस्टीमेट निकालते हैं रेट एनालिसिस करते हैं उसके लिए भी एक प्रॉपर तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिससे अपन एस्टीमेट प्रूव करते हैं, उसमें पूरा एनालिसिस करते हैं बिल्डिंग का, एक बीम में कितना MM की रॉड लगना चाहिए, कितने नंबर आप बाहर आएंगे, उसका क्या साइज होगा, वो पूरा डिटेलिंग अपन एस्टीमेट प्रूव करते हैं। फिर अपन एक सॉफ्टवेयर अपन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है 3D Max होता है, ये तो रैबिट होता है, उसमें अपन अपनी बिल्डिंग को कैसे दिखाना चाहते हैं
उसका बाहर से हमारी बिल्डिंग दिखेगी कैसी, उसके बारे में यदि आपको ज्यादा नॉलेज है तो आप अपनी कंपनी में प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपने कंपनी पे एक एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि कंपनी यदि रैबिट के लिए, यदि एक ड्राइंग बनाने के लिए अलग से इंजीनियर रखता है, यदि आप साइट इंजीनियर, यदि आपको हर सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप उस साइट इंजीनियर का जो अलग से वो इंजीनियर रखता है उसका पैसा बचा सकते हैं कंपनी के लिए, है ना। तो जैसे सर आपने पूछा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाहर से हम लोग करते हैं कॉलेज लाइफ में, उसमें ओनली कमांड सिखाई जाती है। हमने स्वयं किया था, हम सिविल गुरुजी आने के पहले हम बाहर सॉफ्टवेयर किए थे ऑटोकैड, उसमें हमारा करीबन 3000 खर्चा लगा था और ओनली कमांड सिखाई गई। फिर कोई बोले कि आप प्लान बना दो, मैं प्लान नहीं बना पाया था। इसके अलावा यदि आप स्टेट प्रो करेंगे उनमें 8 से 10 हजार लग जाते हैं, उसमें भी उतना प्रॉपर तरीके से नहीं सिखाई जाती, एक कमांड के लिए बताया जाता है। यदि आप प्रॉपर करेंगे तो आपको अलग से चार्जेस देना पड़ता है। जैसा कि अभी बताया हमारे इंजीनियर अभिलाष मिश्रा जी ने किस किस तरह के सॉफ्टवेयर एक इंजीनियर को आने चाहिए, तो नसीर से भी मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस तरह के सॉफ्टवेयर उनको आने चाहिए, और साथ में क्या ये बाहर से करना, मतलब मैं कहूँ कि एक ऑटोकैड कोई हमको सिखा रहा है, अब हमें यही नहीं पता कि वो ऑटोकैड सिखाने वाला जो इंजीनियर है वो एप्लीकेबल, मतलब साइट पर जाकर अप्लाई करके आ चुका है इन चीजों को, ये जानता हूं मैं नसीर से। कि नसीर जी कि एक इंजीनियर होते हैं वो अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में सॉफ्टवेयर तो सीखते हैं, लेकिन अगर मैं उनको कह दूं सबमिशन ड्राइंग बनाना, तो उनको सबमिशन ड्राइंग बनाना नहीं आता, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे कि एक इंजीनियर सबमिशन ड्राइंग नहीं बना सकता? तो एक इंजीनियर सबमिशन ड्राइंग नहीं बना सकता, इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे कि एक रीजन ये भी है, इसको पता ही नहीं तो बनाना क्या होता है, ठीक है। इसको आप बताएंगे सबमिशन ड्राइंग, पहले इसको पता तो होना चाहिए सबमिशन ड्राइंग होती क्या है, इसमें क्या क्या चीजें पता नहीं होती। जैसे कि हमारे यहाँ सबमिशन ड्राइंग में प्लान बनाता है, हम लोगों को इसमें कॉलम का साइज देना होता है, कॉलम की प्लेसिंग देनी होती है, हम लोगों को प्लिंथ बीम देना होता है, इसमें ये सारी चीजें होती है, इसमें हम लोगों का सेफ्टी टैंक, इसमें सारी चीजें मेंशन करनी होती है। तो ये सारी चीजें जब इसको पता होगा तब ये सबमिशन ड्राइंग बनाएगा, जब इसको पता ही नहीं है सबमिशन ड्राइंग कैसे बनाते हैं, क्या होता है उसमें, तब ये बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। हाँ, वो होता क्या है कि एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है बंदे को, उसको अगर सिविल रिलेटेड वहां पे बंदा करवा रहा हो तो वो उसको समझा सकता है कि हमारी सबमिशन ड्राइंग ऐसी होती है, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, तब जाके वो सबमिशन ड्राइंग बना सकता है। वरना हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बंदा है चाहे मैकेनिकल का, उसको थोड़ा सा ऑटोकैड आता है, हम लोग गए सीखने के लिए, वो हमको थोड़ी बहुत कमांड सिखाएगा, उससे ज्यादा क्या सिखाएगा वो, कुछ नहीं। तो उसको खुद पता नहीं है सबमिशन ड्राइंग कैसे बनाते हैं, वो सामने वाले को क्या बताएगा सबमिशन ड्राइंग कैसे बना देती है। इसलिए एक इंजीनियर को, उसको जब पता होगा कि सबमिशन ड्राइंग में ये सारी चीजें होती है, तब जाके वो सबमिशन ड्राइंग बना सकता है। बिल्कुल, जैसा कि नसीर ने अभी हमको बताया कि सबमिशन ड्राइंग बनाने एक इंजीनियर को नहीं आता, एक्चुअल में ये फैक्ट है दोस्तों। नसीर से मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप तो चलिए अभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में बेरोजगारी रेट बहुत ज्यादा है और इंजीनियर 8 से 10 हजार रुपए की जॉब करता है, इंजीनियर 8 से 10 हजार रुपए की जॉब करता है, तो क्या मानते हैं इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मैं अपना पर्सनल व्यू इस पे शेयर करना चाहूंगा। जब मैं फोर्थ ईयर पास किया था 2019 में, तो मैं खुद फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता था, पैसा तो दूर की बात है, मैं खुद फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता था। क्यों? कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड क्या है वो मेरे को पता ही नहीं था। जब मैं सिविल गुरुजी में आया तब मेरे को पता चला कि कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। मेरे को पता नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम लोगों को कहाँ जाना है। तो मैक्सिमम मेरे को लगता है 95% इंजीनियर्स जहां जो हमारी कंट्रीज में पास आउट हो रहे हैं पर ईयर, उनको ये पता नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की डिमांड क्या है, जहां उनकी डेस्टिनेशन है वहां उनको कैसे जाना है, वहां के लिए अगर वो जाएंगे तो कैसी चीजें उनको आनी चाहिए, ये सारी चीजें पता ही नहीं है। तो फिर सब लोगों को लगता है कि हमारे पास स्कोप नहीं है। स्कोप है भाई, जितना कंस्ट्रक्शन अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, मेरे को लगता है कि इसका मतलब ये तो छोटा मोटा स्टेट है, अगर इतना ही कंस्ट्रक्शन हर एक स्टेट में चलता होगा तो हमारे जितने भी इंजीनियर्स पास आउट होते हैं ना, किसी भी जगह सेटल हो जाएंगे, वो भी अच्छी खासी सैलरी में। अच्छी खासी मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब कम से कम 15+ तो हो ही जाएंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या कि अगर कोई सामने वाला हमको रिक्रूट कर रहा है तो वो काम करवाने के लिए रिक्रूट कर रहा है, वो थोड़ी हम ही सिखाएंगे और हम ही से पैसा लोगे, ये तो वही बात हो गई ना, हम ही सिखाएंगे और हम ही से पैसा लो। तो हमारे इंजीनियर्स जो है, मेरी रिक्वेस्ट है, वो लोग अगर कॉलेज में है, कॉलेज से पास आउट है, अगर उसको किसी भी सेक्टर में जाना है तो पहले उसकी डिमांड क्या है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके ग्रोथ हो सकती है। इसलिए हमारे जो इंजीनियर्स है वो कहीं पे भी जाके सेटल हो जाते हैं 5,000 में 10,000 में, या कोई भी, जब जैसे मैंने कहा कि पहले ना खुद फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता क्योंकि मेरे को काम सीखना था, वो जो डिमांड है वो पूरी करनी थी, तब जाके पैसा मिल सकता है। जैसा कि अब दोस्तों नसीर ने भी हमको बताया कि इंजीनियर को यही नहीं पता जाना कहाँ है,
मतलब लास्ट डेस्टिनेशन पता ही नहीं है कि होना क्या है हमारे साथ और क्या आना चाहिए जिससे हमें जॉब मिल पाए। मतलब इंजीनियर फ्री में भी काम करना चाहते हैं तब भी उनको जॉब नहीं मिल पाती, लेकिन यदि आपने टेक्निकल स्किल्स को ग्रैब कर लिया, टेक्निकल स्किल को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपकी जॉब लगना तो पक्का है ही, साथ में सैलरी का भी कोई बाउंडेशन नहीं होगा। तो चलते आगे अपने टेक्निकल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए अभिलाष मिश्रा जी के पास। और इंजीनियर अभिलाष मिश्रा जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई इंजीनियर टेक्निकल स्किल से ग्रोथ पा सकता है? यस सर बिल्कुल, यदि आपके अंदर टेक्निकल स्किल है तो आप उस कंपनी, जिस कंपनी में आप रिक्रूटमेंट हो रही है उस कंपनी में आप सब कुछ कर सकते हैं। यदि आपके अंदर बीबीएस बनाना आता है तो आप जो कंपनी बीबीएस इंजीनियर को हायर करने वाली है, बीबीएस बनाना आता है तो आप उसमें एक्स्ट्रा इनकम गेन कर सकते हैं। यदि आपसे क्वांटिटी सर्वे आता है जो कि एक इंजीनियर को आना ही चाहिए तो उसमें भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। यदि आपको रेट एनालिसिस करना आता है, बीओक्यू बनाना आता है जो कि इंजीनियर को बहुत, जब अपन किसी भी टेंडर को कोट करते हैं तो बीओक्यू मेन आइटम होता है, तो यदि आपसे बीओक्यू बनाना आता है तो आप टेंडर वाला भी वर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यूनिट कन्वर्जन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंजीनियर के लिए, जब आप साइट पर जाते हैं तो जो हमारी लेबर होती है वो फीट है और इंच की लैंग्वेज समझती है, पर अपन इंजीनियर है अपन एमएम मीटर और सेंटीमीटर की लैंग्वेज समझते हैं, तो उसका कन्वर्जन आना चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको लेआउट आना चाहिए कि लेआउट कैसे करते हैं, कितने टाइप का लेआउट होता है। इसके अलावा आपको बीबीएस बनाना आना चाहिए, क्वांटिटी सर्वे आना चाहिए, हर चीज मतलब जितना भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर का डिमांड होता है वो सब चीजें आनी चाहिए एक इंजीनियर को। जैसा कि आपने अभी आंसर दिया कि क्या क्या टेक्निकल स्किल जरूरी होती हैं एक सिविल इंजीनियर के लिए और उससे ही वो अपने लाइफ में ग्रोथ पा सकता है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बहुत सारे इंजीनियर जो है अपना एटीट्यूड के कारण आज जो है बेरोजगार है, लेकिन जो नसीब यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने वो एटीट्यूड को यहाँ पर छोड़ दिया। एटीट्यूड को बोल, वो एटीट्यूड क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मैं छत्तीसगढ़ में जाके जॉब नहीं करूंगा, ये एटीट्यूड रखते हैं। मतलब दिल्ली का बंदा दिल्ली में ही जॉब का चाहता है, यूपी का बंदा यूपी में जॉब चाहता है, झारखंड का बंदा झारखंड में जॉब चाहता है, लेकिन मैं नसीर से जानना चाहूंगा वो तो कश्मीर से बिलोंग करते हैं और कश्मीर से बिलोंग करने वाला लड़का इस छत्तीसगढ़ के भिलाई जैसे शहर में अभी जॉब कर रहा है, तो कैसा वो फील करता है इस चीज को कि क्यों एक इंजीनियर को ये सब चीजें, और बेसिकली सिविल इंजीनियर को, क्योंकि सिविल इंजीनियर का हो सकता है कि कंपनी दिल्ली की हो लेकिन वर्क अभी उसको जो टेंडर मिला है वो भिलाई छत्तीसगढ़ में हो, तो आपको कैसा फील हुआ जब आप जम्मू कश्मीर को छोड़ के यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी सपना होगा अपने घर में रहकर जॉब करना, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में रहकर जॉब कर रहे हैं। देखिए सर, हर एक बंदे का सपना होता है कि वो काम करे और शाम को अपने घर जाए, अपनी फैमिली के साथ मिले, लेकिन अब ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। हर जगह पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हमारी कंपनी हमको रिक्रूट किया, वो सपोज करो आज यहाँ काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, वो कल कश्मीर में भी काम कर सकती है, तो मेरे को जाना पड़ेगा वहां पर क्योंकि मैं इसका पैसा लेता हूँ। ठीक, अब आप चाहते हैं कि आप घर बैठे काम करें या मतलब आप ऐसा काम करें ताकि आप शाम को घर भी जा सके, लेकिन उस लेवल का टैलेंट आपके पास होना चाहिए। अगर वहां पे लोकल कंपनी कोई है, आपको वो पहले हायर नहीं किया, अब तुम्हारे पास इतना टैलेंट होना चाहिए ताकि वो तुमको खुद बुलाए, ठीक, ताकि वो तुमको खुद बुलाए, तुम जा सको वहां पे, तो उसको भी लगे कि नहीं मेरा फायदा होना चाहिए इसके। बाकी ये तो है, ठीक है, मतलब कोई घर के पास काम करना चाहता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको काम चाहिए, आपको सीखना है, आपको छत्तीसगढ़ बिलाई, ये तो अपना अपना अपनी कंट्री है, अगर आपको आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़े तो आप जाइए, क्योंकि अभी आपकी डिमांड है, अभी आपको अपने आपको एक्सेल करवाना है, फिर बाद में पैसे का बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी आप उस लेवल तक के तो हो जाओ आप कुछ आगे वाले को चैलेंज कर सकते हैं, भाई मैं ये काम करवा सकता हूँ, मेरे को इतना पैसा चाहिए, फिर आप कहीं भी जाके रहिए। बहुत अच्छा जो अभी नसीर ने मुझे आंसर दिया यहाँ पर। एक्चुअल में दोस्तों, आप लोगों के इंटरव्यू में जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसे आपसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आपको नागपुर जाना है, यहाँ से नागपुर में वर्क करना है, और जबकि आप रहते हैं झारखंड में, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि वर्क कहीं भी हो ऑल ओवर इंडिया, बस मेरी सैलरी डिमांड जो है वो पूरी हो। तो इसलिए आपको कहीं भी जॉब मिलती है ऑल ओवर इंडिया, कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं तो फील्ड में तो उतरना पड़ेगा आपको, इसलिए आप ऑल ओवर इंडिया वर्क करने के लिए अपने अंदर पहले से एटीट्यूड लाइए। चलते हैं फिर से नसीर के पास, और नसीर से जानते हैं एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि उन्होंने क्या फेस किया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लिए क्या क्या कंडीशन फेस की है, इसके बारे में जानते हैं नसीर मलिक से। गवर्नमेंट जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, अब अगर किसी का हो रहा है बाय चांस या उसकी मेहनत से या उसके लक से कोई हो रहा है, उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको उसी के पीछे नहीं रहना चाहिए, तो आगे उसका जो फील्ड है उसको उसमें मेहनत करनी चाहिए ताकि वो आगे कुछ बन सके। बहुत अच्छा लगा नसीर मलिक आपसे बात करके मुझे, और अभिलाष मिश्रा आपसे भी, ऐसे ही लाइफ में ग्रोथ पाते रहे और टेक्निकल स्किल्स को ग्रैब करते रहेंगे। दोस्तों यही सब टेक्निकल स्किल्स होती है जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, इन लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस, जो इंजीनियर्स आज फील्ड में उतरे हुए हैं उन सभी के पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ।